बड़ा दुल्हन पहाड़ों से सालों से काटा जा रहा है, सालों से ही। और ये मिठाई मेरे पास इस वक्त पहुंच चुकी है, मिठाई से लुफ्त अंदोज होंगे अभी। ये मैंने खाई मिठाई और गलत एक्सप्रेस का किलोमीटर नंबर है 47.54। ये है ये खड़ी हुई है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस लालिया रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर हमारा क्रॉस पड़ चुका है 70 अप मिलत एक्सप्रेस पे। और 70 अप मिलत एक्सप्रेस आने वाली है लालिया रेलवे स्टेशन पर, और ये खड़ी हुई है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस लालिया रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त 70 अप मिलत एक्सप्रेस चनियोट से निकल चुकी है और लालिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। शाहीनाबाद स्टेशन यहाँ पर भी काफ़ी रश देखने में आ रहा है, शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन। एक बार फिर रवाना हो चुकी है शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन से। ये शाहीनाबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन बोर्ड और सामने से मेन रोड भी गुजर रहा है। शाहीनाबाद से डिपार्चर बाबा जी प्लेट नजर आई है। ये साथ ही बताया तो रेलवे कॉलोनी लग रही है। बिल्कुल साथ साथ ही रोड जा रहा है शाहीनाबाद का, और ये वो लाइन है जो शाहीनाबाद को स्टेशन से जंक्शन के तक जाती है, और यहाँ से हज़ारा एक्सप्रेस वो मूव कर जाती है जंग की तरफ। ये लाइन शाहीनाबाद से जंग की तरफ मूव कर गई। और सामने जो फसल गंदम की और सामने एक गन्ने का खेत भी नज़र आ रहा है। गन्ने का ये गंदम का है, ये गन्ने की फसल जो के बतौर बीज के तौर पर रखी गई है, वरना गन्ने का सीज़न ख़त्म हो चुका है।
सारी गंदम की फसल इस पर तकरीबन हरी से सोने के कलर में बात के बाहर भी शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े पहाड़ देख सकते हैं। ये गाय बगाए बीच में गन्ने के खेत नजर आ रहे हैं और बीज के लिए अगली फसल के लिए बड़े बड़े पहाड़। दोस्तों आपको ये बता दूँ, इन पहाड़ों को सालों से काटा जा रहा है, सालों से उनकी कटाई क्रैश की जा रही है। हम तो दोस्तों जब बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, बचपन से भी मशीन आ रही है, आप देख सकते हैं मशीनें आ चुकी हैं। ये मिठाई मेरे पास इस वक्त पहुंच चुकी है, मिठाई से लुफ्त अंदोज होंगे अभी। ये मैंने खाई मिठाई और खाई खाई।
सैकड़ों के हिसाब से मशीनें हिसाब से काम कर रही हैं की मशीनें हैं और ये साथ में पटरी भी गुजर रही है जो यहाँ से बजरी और रोड़े लेकर जाती है। ये देखिए आप और ये देखें ये ट्रेन खड़ी हुई है जो करछिंग और बजरी लेके पाकिस्तान रेलवे की मुख्तलिफ लाइनों में रोड़े फेंके जाते हैं डाले जाते हैं। पूरी ट्रेन खड़ी हुई है लाइन पे दोस्तों। इस वक्त टाइम हो रहा है 1:45 दोस्तों। तकरीबन 1, 2, 3, 4 लाइनें इस वक्त यहां पर जो करछिंग के लोडेड के लिए बनाई गई हैं रोड़े ले जाने के लिए। और ये स्टेशन आ चुका है निस्तराबाद। यहाँ पर मिलत एक्सप्रेस का स्टाफ नहीं है लेकिन ट्रेन स्लो हो चुकी है। देखें कि ब्रेक लगती है या नहीं। ये स्टेशन आ चुका है निस्तराबाद। इसके पीछे भी जंगलात नज़र आ रहे हैं और ये पटरियों के जो है लाइनें यहाँ पर पड़ी हुई हैं निस्तराबाद। और मैंने आपको दोस्तों बताया था कि यहाँ पर मिलत एक्सप्रेस का स्टाफ नहीं, स्लो ज़रूर पास हुई है लेकिन स्टाफ नहीं किया। और इस स्टेशन के भी ये देखें क्वार्टर्स रेलवे कॉलोनी जिसको कह सकते हैं मुलाजमी की तकरीबन खाली पड़ी हुई है बंजर और फूट फूट का शिकार है। निस्तराबाद रेलवे स्टेशन भी गैर आबाद कह सकते हैं क्योंकि इस स्टेशन पे भी इस लाइन पर सिर्फ एक ही ट्रेन मिलत एक्सप्रेस चलती है जो सरगोधा से फैसलाबाद तक 70 मिलत एक्सप्रेस और इसके अलावा जो पहाड़ों की जो कटिंग होती है कर्शन होती है इनके तकरीबन इसी काम के लिए निस्तराबाद रेलवे स्टेशन अभी तक आबाद है। वरना इस स्टेशन पर भी इसी काम एक और स्टेशन के करीब और ये स्टेशन है लालियां। लालिया स्टेशन यहाँ पर इसका स्टाफ है मिलत एक्सप्रेस का
किलोमीटर नंबर है 47.54। ये है लालिया, ये खड़ी हुई है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस लालिया रेलवे स्टेशन पर, और यहाँ पर हमारा क्रॉस पड़ चुका है 70 अप मिलत एक्सप्रेस पे, और 70 अप मिलत एक्सप्रेस आने वाली है लालिया रेलवे स्टेशन पर, और ये खड़ी हुई है 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस लालिया रेलवे स्टेशन पर। इस वक्त 70 अप मिलत एक्सप्रेस चनियोट से निकल चुकी है और लालिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है, और ये साथ में मेन रोड भी गुजर रहा है, ये PHA 208305 इस वक्त 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस को लीड कर रहा है। यह है लालिया रेलवे स्टेशन।